यहाँ पे अब देखते हैं, चलिए राउंड नंबर 15 सेकंड लास्ट गेम ऑफ पीएमसीओ बर्लिन फाइनल्स वीकेंड ही हमारा मैप रहेगा। एंड बात हम करेंगे जल्दी से फ्लाइट पाथ की, जैसे ही आपके स्क्रीन में दिखाया जाएगा फ्लाइट की पाथ, तो फ्लाइट पाथ बहुत ही नॉर्दर्न साइड ऑफ द मैप है, मतलब बहुत बायस्ड फ्लाइट पाथ है टुवर्ड्स द नॉर्थ। एंड साउथ में जो भी कासल सीमेंट फैक्ट्री, डाइनो पार्क, वाइनरी या हॉट स्प्रिंग्स की तरफ जाते हैं उनको काफी दिक्कत होने वाला है। यहाँ पे सोल शायद विला की ओर ड्रॉप लेगी, टीम कैसन ने ऑलरेडी अपना अर्ली ड्रॉप ले लिया है क्योंकि वो जल्दी लूट के अगर साउथ जोन रहेंगे तो वो चाहते हैं कि वो पानी की तरफ से रोटेट करके, हमने पहले ही देखा उन लोग एकदम एज ऑफ द जोन खेलते हैं, नीचे वाइनरी के नीचे से उन लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे जोन में। पर यहाँ पे यस टीम सारी ड्रॉप लेते हुए एआरजी के साथ, टीम 16 भी उतरते हुए एआरजी फर्स्ट ड्रॉप में ही स्प्रेड आउट होते हुए। एंड जीसीबी की जो टीम है वो सीमेंट फैक्ट्री की ओर बढ़ रही है। सोल के सामने मुझे एक्सक्यूएफ की टीम की ड्रॉप आती हुई है, एंड बहुत ही अलग सब जोन बनते हुए आप देख सकते हो क्रेड भाई, यहाँ पे जोन ऐसा बन गया कि एकदम ही नॉर्थ फ्लाइट और नॉर्थ जोन बन गया है, सारे टीम साउथ की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे गेम में काफी चेंजेस आ सकते हैं रोटेशन, और अभी से जो लोग अभी तक लैंड भी नहीं करे उन्होंने देख लिया कि सर्कल क्या है, तो हाई चांसेस है कि भाई इंस्टेंटली गाड़ी उठा के ना टॉप एरिया में जाने की कोशिश करेंगे, या तो टॉप लेफ्ट जहां पे एक पूरी सिटी खाली है तो वहां पर लूट करके सर्कल के बीच में जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं जो टीम्स अब फर्स्ट सेकंड या फिफ्थ तक नहीं आ सकती वो शायद थोड़ा एग्रेशन दिखाएं, बट जो टॉप टीम्स हैं यहां पर, जो चाइनीज हमारी टीम्स हैं, ये तो अपना बेस्ट खेलने वाली है। अब ये देखिए एलीट के जो प्लेयर्स हैं मिंग और बेजई, एक अकेले पावर प्लांट के अंदर एंजॉय करेंगे, अपनी पूरी लूट लेंगे, वेल इक्विप होंगे, क्योंकि इस मैप के अंदर भी एक ही जो रंजिश है, काफी ओपन एरिया होता है, काफी रिजेस है, कंपाउंड काफी कम है मुकाबले में, तो आपके पास एक अच्छा कवर होना चाहिए ऑल टाइम, स्पेशली व्हेन एवर यू आर प्लेइंग इन टीपीपी मोड। अब ओके स्टार्टिंग यहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, एसएसजी के जूसी और नवीन यहाँ पे पिकअप हो चुके हैं, उनको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक सिक्सलेक्स जिंदा है वो टॉप फाइव तक ले जाएगा, उसे टेक आउट उठा रखा है। जब स्पेस स्टेशन गेमिंग का सिक्सलेक्स जिंदा है तब तक कुछ भी हो सकता है। पर्पल मुड के नवीन ने यहाँ पे ऑल्दो जूसी को पिकऑफ किया है, पर यहाँ पे एसएसजी थोड़ी बैकफुट में जाते हुए पर्पल मुड निराशजनक परफॉर्मेंस, काफी टीम्स परफॉर्म नहीं कर पाए हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, पर्पल मुड टीम सोल इन सब में से उनका नाम रहेगा। पर यहाँ पे एक्सक्यूएफ की बात करें, ईएलजी की बात करें और टेस्ट की बात करें तो वो वो रह गए जो यहाँ पे एकदम चाइनीज डोमिनेशन दिखा के टॉप थ्री ऑफ द पॉइंट्स टेबल होल्ड कर रहे हैं। आरआरक्यू ट्राई कर रही है कि अपने टॉप फाइव में एंड अप करने की कोशिश करें, क्योंकि अब टॉप थ्री तो उनके मुझे बस में नहीं दिख रहा, क्योंकि पॉइंट्स डिफरेंस जितना बढ़ चुका है, ये इतने बड़े पॉइंट डिफरेंस को मेकअप करने के लिए तो हमें 3 से 4 गेम लग जाते हैं। पर हाथ में हमारे 2 ही गेम है, हर टीम हर लोग यही प्रे करेंगे कि हमारी जो भी टीम हमें रिप्रेजेंट कर रही है वो अब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, जो भी होगा रिजल्ट्स हमारे ऑलमोस्ट सामने है, टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल में कोई लंबी चौड़ी चेंजेस नहीं आनी है। टेस्ट के बंदे यहाँ गाड़ी उठा के लेवल 1 की लूट के साथ, इनफैक्ट विदाउट हेलमेट के साथ यर्स निकल गया, रोटेशन जल्दी करनी होगी, इन लोग रियलाइज कर रहे हैं कि जोन काफी अलग बन गया। वहां मुझे मैप में दिख रहा है कि आरआरक्यू का D2 ही ऑलरेडी स्काउट करने निकल गया, देखना चाह रहा है कि ऊपर में क्या मैप जोन के बीच में क्या हलचल है, तो जाके वो अपनी टीम को एक प्रॉपर पोजीशन बता पाए। सोल के मॉर्टल ने एक्सटेंड किया खुद को, थोड़ा जाके ऊपर रोटेट करना चाहेंगे, टेस्ट के बंदे ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया है, टीम कैसर ऑपरेट ऑफ द मैप से अंदर घुसना चाहेगी। जीसी बुसान की बात करें, कपल ऑफ चिकन डिनर्स आए थे पर फिर भी इन लोग अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए, पर फिर भी चिकन डिनर लिए, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है पर एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस कर जाते हैं अभी। बिल्कुल अभी भी ये टॉप 7 में है यहाँ पे, और उम्मीद है कि उससे भी अच्छा खेल के अपनी टीम, अपनी कोरिया को यहाँ पर ये और अच्छा प्रूव करेंगे उनके ईस्पोर्ट्स के लिए। बट ये जो सर्कल है, ये जो पीएमसीओ का जो, अगर अगर किसी के भी हाथ में अगर ये रैंडम है देन इट्स ऑल किस्मत, बट फिर भी पूरी कोशिश रही है इस पबजी मोबाइल गेम की कि प्लेयर्स के लिए आसान गेम ना हो, उनके सूटेबल गेम बिल्कुल ना रहे, उनके लिए हमेशा से थोड़ा सा ऑफ रहा गया है। बट यहाँ पे जिमी जो यहाँ पे सप्रेसर लगा कर अपनी M4 के अंदर और 4x ट्रांसफर कर रहे थे, बट ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा पाए, डैमेज दिया, बट उतनी देर में जो बीटीआर की टीम थी वो यहाँ से रफो चक्कर हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे देखिए एसएसजी की टीम और ईएलजी की टीम में फेस ऑफ होने की चांसेस थी, पर ईएलजी का टीम बैक ऑफ करते हुए रियलाइज कर रहे हैं ट्रॉफी के बहुत ही करीब है। बहुत अच्छा अब हमें लास्ट 2 गेम देखने मिलेंगे जहाँ पे हम देखेंगे टॉप 3 टीम्स वो ट्रॉफी के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि टॉप 3 तो मेरे हिसाब से सेट है, पर यहाँ पे अब जो जंग छिड़ी है वो जंग छिड़ी है ट्रॉफी के लिए, तीनों चाइनीज टीम्स एक दूसरे में लड़ भिड़ेंगे। एंड टेस्ट की टीम मुझे दिखते हुए कि वो भी जोन के अंदर आ रही है, तो टेस्ट पहली चाइनीज टीम है जो जोन के अंदर आ पहुंची है, ईएलजी काफी जोन के नीचे है। एंड बात करें एक्सक्यूएफ की, तो एक्सक्यूएफ भी जोन के काफी नीचे है, उनको रोटेट करने में टाइम लगेगी।
बिल्कुल सही कहा आपने। और ये अगर अभी देखें यहाँ पर जो माहौल है, जो टीम यूनिक है, जो अभी इन्होंने भी काफ़ी कंसिस्टेंट दिखाया, बट कहाँ कहाँ कुछ कुछ पोजीशन थी जहाँ पर उम्मीदें थी सब कुछ पोजीशन इनके हिसाब से, बट कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके इन्होंने अपनी पोजीशन को एडवांटेज जो कन्वर्ट करना था डिसएडवांटेज में कन्वर्ट करके अपनी पोजीशन लूज करी है। ओके काफ़ी क्लोज कट, बट सही बात देखकर टीम यूनिक आप देखिए जहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड कर रही है पोर्ट के, वहाँ पे उस जोन के काफ़ी बीच में है, मतलब एक तरह से ना उनके पास काफ़ी अच्छा एडवांटेज है, पर उन लोग रोटेशन काटने का उनका इंटेंशन नहीं लग रहा, वो चाह रहे हैं कि वो ऊपर रुक के अपनी लूट करें और अपना काम करें, बिकॉज वो चाहेंगे रेस्पेक्टेबल टोटल में फिनिश करना या आर आर क्यू जोन के अंदर आके अब लूट शुरू कर चुकी है। सोल ने काफ़ी अग्रेसिव रोटेशन किया जोन के बिल्कुल बीच में पकड़ने की कोशिश, लेफ्ट में उनके आर आर क्यू, सामने उनके टेस्ट गाड़ी में रोटेट कर रहे हैं और शायद सब लोग ही जवाबा की तरह रोटेट करना चाह रहे हैं। टेस्ट जा रही है, सोल जा रही है, एंड वहां पे हमें एक अर्ली फाइट देखने को मिल सकता है टेस्ट और सोल के बीच में। टीम कैसो भी पीछे से रोटेशन कर रही है, तो हॉट पॉइंट हमारा जबावा रहना है। यहां पे टीम कैसो को आप देख सकते हो एक जेट स्की ले, एक आइस की लेके और यहां पे मैक्रो आगे गाड़ी लेके चार्ज को लीड कर रहे हैं, रोटेशन अभी स्टार्ट कर चुके हैं। काफी गाड़ियां मैप में दिख रहे हैं, करीबन 20-25 गाड़ियां मुझे दिख रहे हैं जो अभी फिलहाल मैप में रोटेटिंग है। तो ये जोन ऐसा बन गया, हर टीम को एक सरप्राइज लगा है, उन लोग अब अर्ली रोटेशन कर रहे हैं। जीसीबी के डोंगजिन ने एआरजी के सिंडिस को नॉक किया, बट यहाँ पे एक प्लेयर तो ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुके हैं यहाँ पे, और एआरजी के प्लैनेट के लिए भी काफी मुश्किल सिचुएशन होगी, क्योंकि जीसीबी के जस्ट हिज दिस ने उनको इंस्टेंट नॉकआउट कर कर उनकी किल निकाल ली है। तो अब जो सर्कल है, सर्कल हमने मैंने ये देख लिया था गेम नंबर टू में, बट ओवेस ने यहाँ पे शुरुआत करी है, जीसीबी के रोज को पिक ऑफ करा एंड यस इंस्टेंटली नॉकआउट करने के बाद अपनी किल यहाँ पे कंफर्म कर लिया है। मॉर्टल ने थोड़ा सा डैमेज लिया है, बट मॉर्टल वहाँ पे इंस्टेंटली गाड़ी को फोड़ रहे, बट उनको लग रहा है शायद गाड़ी के आसपास कोई हो सकता है, बट एक्सकल थोड़ा सा दो चुके हैं कंपाउंड के अंदर। पूरी टीम मॉर्टल, हमारी टीम पूरी टीम सोल है, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जीसीबी ऐसी टीम है जो किसी भी टाइम एक अच्छा इंपैक्टफुल प्ले दिखाकर चेंज करेगी, बट हमारी सोल भी कम नहीं है, उनको पता है कि अब जीतने के चांसेस बहुत कम है, बट अच्छी परफॉर्मेंस देकर फिर से ऑडियंस के दिल के अंदर धड़कन वो अभी भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे मुझे एआरजी बैकड्रॉप में आते हुए दिख रहे थे, इनका जो जोन है जस्टिस यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, रौनक शायद स्प्रे लेगा, अगर कनेक्ट होता है तो जस्टिस गिर सकता है, जीसीबी के लिए अर्ली एग्जिट हो सकता है, पर जीसीबी यहाँ जाके अपनी टीम के साथ सक्सेसफुली एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। आरआर की मुझे बैकड्रॉप में आती दिख रही है, सोल यहाँ पे पहली किल निकालते हुए जो कि बहुत ही इनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहना चाहिए। दो गेम बचे हैं, अब हमें हारना तो नहीं है, जो भी आप सोल जो भी परफॉर्म करेगी उस पर हमें पूरा कैपिटलाइज करना है और खुश रहना है। यहाँ पे एक्सक्यूएफ की टीम होल्ड कर रहे हैं और पर रोटेट नहीं कर रहे इतनी जल्दी, अब इन लोग शायद रोटेशन कर निकले क्योंकि इन लोग जोन के काफी नीचे थे, काफी बाहर थे। यहाँ टीक्यू के आयला ने पीएलएम के जूम्स को नॉकआउट किया, आयला थोड़ा डैमेज लेते हुए अपने वेस्ट को 40% कैपेसिटी खो चुके हैं, खुद का भी 10% हेल्थ पे है, पर खुद को रिवाइव कर लेंगे। यहाँ टीक्यू की पूरी टीम रश कर रही है पर्पल मूड के ऊपर, पर्पल मूड जो टूर्नामेंट पे इतना उमदा परफॉर्म नहीं कर पाए, अब प्रेशर में है टीक्यू से, टीम कैसे उन पर क्लोज इन करना चाहेगी क्योंकि जूम्स ब्रिज के पूरे बीच में नॉकड आउट है। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे जो जूम जिस तरीके से नॉकआउट हुए उनकी पोजीशन काफी ज्यादा बुरी है, अगर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे जूम को एक जीवनदान एक और रिवाइव मिल पाएगा, क्योंकि अगर एक भी गलती उनके टीममेट्स ने भी की तो वो भी सेम सिचुएशन में आ जाएंगे जो जूम है, जो नॉकआउट सिचुएशन है, और जो टीम क्वेसो है वो दोनों साइड से ब्रिज के अटैक कर रही है, तो ये उनको भी दोनों साइड से उस एग्रेशन को यहाँ पे करना पड़ेगा, बट जूम को एक फाइनल टच की जरूरत है मेरे ख्याल से, शायद बचा पाए आखिरी मोमेंट पे, उनको सीधा रिवाइव पे क्लिक करके उनको गेम के अंदर वापस लाएंगे। ये टीम वही है जो प्रीलिम्स नंबर वन पोजीशन में आई थी, बट व्हाट जस्ट हैपेंड, यहाँ पे जो बियारकी के बराका है वो यहाँ पे नॉकआउट हो गए, फॉल्ट डैमेज लिया उन्होंने, शायद उनके में भी गाड़ी से उतरते टाइम ग्लिच हुआ गया, रनिंग कार से उतर गए हुए तो उनको फॉल्ट डैमेज मिला। यहाँ जूम्स रिवाइव होते हुए जो पर्पल मूड के लिए काफी एडवांटेजेस हो गया, आयला लेफ्ट से फ्लैंक करके देखना चाह रहे हैं जूम्स को, मे बी सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, पर जूम्स यहाँ पे रिवाइव हो चुका है जो अब पर्पल मूड के लिए वापस फोर मैन हो गया और टीम कैसो के लिए भारी पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पे ईएलजी ने अपनी पार्टी स्टार्ट कर दिया, मिंग ने यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकआउट करा है, क्या यहाँ पे वो किल निकाल पाएंगे, क्योंकि जो ये 6 किलोमीटर का मैप है विकेंडी, इसके अंदर भी अच्छी हाइडिंग स्पेस है, अच्छे कवर है जहाँ पर आप आराम से इस गेम के अंदर ट्रांजिट कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे जो हमने पीएमसीओ का कल्चर देखा है सुबह से, कल सुबह से और परसों सुबह से, जो पूरे 3 दिन है, यहाँ पर एक ही मेटा चल रहा है कि आप सर्कल के बीच में जाइए, अपनी पोजिशन पर खेलिए, आपको एटलीस्ट 60% गेम आपका जोन ही जिता पाएगा, क्योंकि सोल कितनी बार जोन का शिकार हुई है, बीटीआर आरआरक्यू 100 टीमें जितनी भी टीमें यहाँ पर 16 की 16 टीमों को जोन की इंपॉर्टेंस पता है, अगर जोन उनके फेवर में नहीं है देन गेम जीतना एक इम्पॉसिबल जॉब लग जाती है। सही बात है, जवाबा में हमें सारे टॉप टीम्स देखने को मिल रही है, टेस ईएलजी बीटीआर आरआरक्यू सब ने जवाबा को काफी क्लोजली एक दूसरे के करीब होल्ड करके रखा है। ईएलजी के मिंग ने बीटीआर लक्सी को पिकअप किया एंड बीटीआर 3 मैन पे आ चुकी है एंड यहाँ पे फटाक से एक क्विक एनर्जी ड्रिंक पॉप करते हुए इनके पीछे है टीम आरआरक्यू एंड इनके सामने है टीम बीटीआर और ईएलजी के तीनों टीम।
अब एक स्टैंड ऑफ में आ चुके हैं, एक बहुत डेडलॉक हो चुका है इनके बीच में टाइम। एंड यहाँ आरआरक्यू जी ने ईएलजी मेन को पिक ऑफ करते हुए आरआरक्यू ट्राई करेगी कि दो गेम में कुछ एक टर्न अराउंड ला दे टूर्नामेंट पे, एंड मे बी जो उनका मतलब वर्स्ट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है वो बच पाए टॉप फाइव टॉप सिक्स फिनिश नहीं बल्कि टॉप थ्री परफॉर्मेंस करना चाहेंगे, क्योंकि विनर विनर चिकन डिनर जो फाइनल चिकन डिनर है टूर्नामेंट का ओवरऑल वो तो ये शायद ही ले पाएंगे, मतलब इनका ट्रॉफी उठाना इनके लिए मुश्किल है। पर यहाँ पे आरआरक्यू चाहेगी कि एक रेस्पेक्टेबल टॉप थ्री फिनिश करे और साउथ एशिया का नाम टॉप थ्री में रखे, क्योंकि बीटिया थोड़ी लेट जागी, बट जब से बीटिया ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, बीटिया ने बैक टू बैक दो चिकन जनरल निकाले, भले लगातार नहीं बट फिर भी काफी अच्छा गेम थे उन्होंने दिखाया है। तो इंडो की एक टीम तो भाई अपनी सारी आशाओं से अच्छा खेल रही है, जितने भी फैंस हैं उनके काफी खुश हैं, बट जितनी फैन फॉलोइंग आरआरक्यू है, जितना सपोर्ट आरआरक्यू के पास है, वो फैंस का जो सपोर्ट है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है टीम आरआरक्यू। बिल्कुल सही बात है, मतलब आरआरक्यू को हम लोग जिस लेवल पे खेलना देखना चाह रहे थे इस टूर्नामेंट में वो अभी तक तो देखना नहीं मिला हमें, जो कि बहुत सारे टीम्स के साथ भी हुआ है कि उन लोग उस लेवल की परफॉर्म नहीं कर पाए। पर आरआरक्यू वो टीम है जो फाइट बैक रखती है, मतलब दो गेम ऐसा होता है कि आरआरक्यू पटाक से दो चिकन निकाल दिए एंड पता चला कि वहां पे अपने टॉप थ्री में अपना झंडा देश का झंडा गाड़ सकते हैं उन लोग। यहाँ एक्सक्यूएफ मुझे रोटेट करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, अभी के लिए अब ये देखेंगे जो टोटल 16 राउंड है उसमें से 15 राउंड यहाँ चल रहे हैं, लास्ट मैप है इसके बाद जो होगा इरांगल, वहां पर मेरी जगह आपको देखेंगे K18 और K18 के साथ कास्ट करेंगे हमारे थगवा, बट अभी के लिए विकेंडी मैप। अभी धीरे धीरे सर्कल कटेगा, 11 मिनट हो चुके हैं, अभी तक हम 4 प्लेयर खो चुके हैं इस गेम के अंदर। और SSG जूसी के लिए काफी अनफॉर्चुनेट न्यूज, यहाँ पे जो PLM है उन्होंने इंस्टेंटली उनको नॉकआउट किया, रश करके उनको इंस्टेंटली किल निकाल लिया। आइला के लिए काफी मुश्किल हो सकता था, बट ये कुछ हाईलाइट्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह चुकी है इस गेम के अंदर। और ये मिंग काफी ओपन पोजीशन पे थे, यहाँ पे जीना इन्होंने उनको पिक ऑफ किया बट नॉकआउट हुए थे, मार नहीं पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, और एक स्टैक ट्रायंगुलर बना के बैठी है BTR जो हमारी बाकी टीम्स है। अगर अब देखते हैं टीम नंबर 12 कहाँ है, टीम नंबर 12 इस वक्त मैप के बिल्कुल बीच में है, हल्का सा सपोर्ट, बस हल्का सा जोन सपोर्ट, ये टीम फिर से कर दिखाएगी कि फायर पावर भी है यहाँ पे। और जो अभी तक गलतियां हुई है ये जोन की ऑलमोस्ट 60-70% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल सही कहा, मुझे मैप में दिख रहा था कि जोन सोल के ऊपर यहाँ पे रेड डॉट्स रेड मार्कर्स आ रहे थे, जिसका मतलब वहां पे कुछ गनशॉट एक्सचेंज हो रहे हैं। हमें फीड से पता नहीं चला कि सोल अभी एग्जैक्टली किससे फाइट ले रही है, पर वहां पे कुछ हलचल तो मची है। यहाँ पे TES, RRQ, BTR अभी भी अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए, तीनों को पता है कि सामने हमारे बहुत ही क्लोज कंपटीटर्स और वो चाहेंगे कि अर्ली में कोई फाइट लेके कोई गलती ना कर बैठे और मर ना जाए। यहाँ पे नोवा का आज परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहा है कल के दिन के हिसाब से, कल उनका जो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था, दो बैक टू बैक चिकन डिनर निकालते, पर नोवा आज अपने यू नो कंपोजर को खो बैठे हैं एंड उस हिसाब से उनका गेम प्ले वर्क नहीं कर रहा। उनकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी थी वो अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी वो खत्म हो गई, अब वो प्रेडिक्टेबल टीम हो गए हैं, उनकी रोटेशंस कट हो रहे हैं, वहां पे नोवा अंडर परफॉर्म करते हुए आज। एंड यहाँ आरआरक्यू के सीनियर ट्राई कर रहे हैं BTR को मारने की, पर शॉट कनेक्ट नहीं हुए, पर दोनों टीम्स अभी होल्ड ही करेंगे। टीम यूनिक क्लोजिंग कर रही है नोवा पे, काफी करीब है यूनिक के सारे प्लेयर्स एंड ये टीम यूनिक का किच्सू याशा सब घेरते हुए घेर रहे हैं, मतलब घेरते हुए चार्ज कर रहे हैं नोवा पे, क्योंकि इनका मैंने हमेशा देखा 2-2 मैन के हिसाब से इन लोग चार्ज करते हैं किसी भी टीम में, सेम स्ट्रेटेजी जो नोवा भी अप्लाई करती है, पर यहाँ पे क्या वो अपने सेम स्ट्रेटेजी को काउंटर कर पाएंगे। बिल्कुल, ये जो स्ट्रैटेजी होती है हर टीम की अपनी अलग अलग होती है, और जब भी एक प्लान के अंदर कोई गलती निकलती हो इंस्टेंटली वो प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट करना पसंद करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जो आरआरक्यू की स्ट्रैटेजी है वो काफी लोग इस चीज को वाकिफ होंगे क्योंकि उन लोगों को देख के लोगों ने सीखा है। बट फाइनली ये बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है, सिक्स लेस फाइनली टेकिंग अ फॉल हियर, बिकॉज इस प्लेयर जब तक जिंदा है ये अपनी टीम को कहीं ना कहीं आकाश भी अगर पहुंचाना होगा चांद तक पहुंचा देगा अगर इनको मौका मिल जाए। बट अभी के लिए यूनिक जो टीम है इंस्टेंटली एग्रेसिव दिखाने की कोशिश कर रही है। ओके, हल्का सा उन्होंने जो सेटअप था उनको बिल्कुल कैमरा ऊपर शिफ्ट हो गया, बट नोवा पे वो चार्जिंग कर रहे हैं। बैंडिट काफी ज्यादा मुश्किल में आ सकते हैं बिकॉज नॉकआउट है, उनको एक जरूरी है अपनी टीम का सपोर्ट, अगर नहीं मिला देन उनके लिए काफी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। बट नोवा के अभी भी दो प्लेयर हैं जो ऑल टाइम यहाँ पर अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। जेन शायद दूर चले गए, उन्होंने उनको पता है कि यहाँ पे बैंडिट को बचाना इम्पॉसिबल है, तो इस वक्त चांस लेने से अच्छा ये है कि हम अपने फ्यूचर अपनी पोजीशन पे काम करेंगे तो बेटर रहेगा। सही बात है, यहाँ पे देखते हैं नोवा की जो दो प्लेयर्स हैं उन लोगों ने रियलाइज किया कि अब मुझे हमें 2v4 का फाइट नहीं लेना, बैक ऑफ कर गए। यहाँ पे नोवा का एक प्लेयर शहीद हो जाएगा अपने टीम के लिए, पर वो यहाँ पे नोवा फिर भी दो बंदों के साथ अपने सर्वाइवल पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। उम्मीदें उनके लिए ढली नहीं है अभी भी पूरी, उनमें ये है कि हमें दो प्लेयर बैक ऑफ हो जाता है क्योंकि टूर्नामेंट का अंतिम क्षण आ चुका है, दो गेम्स ही बचे हैं। नोवा के बैंडिट को फिनिश ऑफ करते हुए यूनिक के कूल बॉय एंड यहाँ पे SSG दो बंदों के साथ रोलेक्स और एंग्री टीम के साथ फेस ऑफ में है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। यहाँ पे एक टू बहुत ही प्यारा हमें फाइट देखने को मिल रहा है, जो टीम कैसो के चार बंदे अलाइव,
एसएसजी के दो बंदे अलाइव एंड एसएसजी बहुत ही एज ऑफ द जो लैंड एरिया वहां पे होल्ड करे हैं, सेफ रह सकता है, कोई टीम हो सकती है वहां पे रोटेट नहीं करना चाहेंगे। जोन की बात करें तो सोल काफी जोन के बीच में है, देखना होगा हमें नेक्स्ट जोन कैसा बनता है, काफी टीम से घेरे हुए हैं, मतलब गुच्छा गुच्छा बन चुके हैं, एक थोड़ा सा साउदर्न पार्ट ऑफ द जोन, एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द जोन एंड सोल बिल्कुल ही उनके बीच में है। और बिल्कुल अभी जो मुझे देखने को मिल सकता है कि जो सर्कल है अभी भी थोड़ा मेहरबान है हमारी टीम सोल के लिए और बाकी भी टीम्स के लिए, और यही स्ट्रैटेजी मैं हर बार बोल रहा हूँ, पिछले चार गेम से मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अब टीम्स हैं वो बहुत डर के खेली, उनको पता है कि जोन इतना ज़्यादा शक्तिशाली इतना पावरफुल है कि वो अच्छी अच्छी टीम विद वेल इक्विप्ड टीम को भी हरा सकता है। मैप के कॉर्नर्स में एक भी टीम नहीं है, ऑलमोस्ट अभी भी 20% एरिया पानी का है और सारे प्लेयर्स मिड पे जमघट लगा कर बैठे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं आरआरक्यू और यूनिक के बीच में फेस ऑफ चालू है, यूनिक के बंदे ऊपर से पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, उनको पता है सामने एक स्क्वाड है, सीनियर बहुत ही करीब है आरआर यूनिक के, अगर एक प्यारा नेड आ सकता है तो सीनियर वहाँ पे नॉक हो सकता है, पर यूनिक ने शायद अभी तक नोटिस नहीं किया, मुझे हल्का सा मूवमेंट दिखा फील्ड में, पता नहीं कि ये नेड आया है कुछ, पर ईएलजी और नोवा भी यहाँ पे काफी एक दूसरे क्लोज आ चुके हैं, नोवा के दो बंदे रोटेट करके। यहाँ हम देख रहे हैं यूनिक के मैगी ने एसजीबी के राइनो 01 को नॉक किया, स्कार्स ब्लैक का फर्स्ट गेम के बाद जो निराशजनक परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू होते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, और अभी मैं चैट पढ़ रहा था कि लोग चाहते हैं कि सोल को एग्रेशन दिखाएं, क्योंकि सो अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में ओविस को वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव प्लेयर में भी लिया जाता है, बिकॉज जिस बंदे का इंसान का एम है वो बहुत सारी कम टीम्स है जो संभाल पाती हैं, तो अगर ओविस को थोड़ी सी फ्रीडम मिलती शायद से तो एक अलग रिजल्ट हो सकता था। आई होप कि अगले टूर्नामेंट के अंदर मॉर्टल अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज कर पाएंगे, बिकॉज इस बार तो जोन की जो चोट थी ये बहुत मुश्किल लगी है, और अकेली सोल को नहीं बहुत सारी टीम्स के लिए काफी मुश्किल हुआ है, और जो टीम अभी भी सरवाइव करके टॉप थ्री पे नहीं है उनकी तो खासियत ही उनकी कंसिस्टेंसी है कि भाई कुछ भी कर लो, कैसा भी दम लगा लो, हम कुछ भी कर लेट कर फांद कर हम टॉप में आ जाएंगे, और यही हमने देखा अभी। एक्सक्यूएफ को देखिए, एलीट को देखिए, टॉप को देखिए, इनके पास चिकन डिनर एक एक दो दो एक है, मेरे ख्याल से सब तीनों के पास एक एक चिकन डिनर के पास एक एक या किसी एक टीम के पास दो होगी शायद, एक्सक्यूएफ ने दो चिकन डिनर निकाल के रखे हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बोला चिकन डिनर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, यहाँ अगर हम बात करें तो टॉप के पास एक ही चिकन डिनर थी, एक्सक्यूएफ के पास एक चिकन डिनर थी डे वन में, एंड ईएलजी के पास एक चिकन डिनर थी डे टू में, तो इससे हमें पता चलता है कि चिकन डिनर इतना मैटर नहीं करती है यहाँ पे, जितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मैटर करते हैं। अगर आप देखोगे तो इनका जो कंसिस्टेंसी रहा, स्पेशली एलीट गेमिंग की बात, एलीट स्पोर्ट्स की बात करेंगे ईएलजी की, एंड यस इट इज, बट अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो 16 टीम 57 प्लेयर्स अभी भी गेम के अंदर फुल पावर एक्शन ऑन है, किसी भी क्षण यहाँ पे जो जोन खत्म होगा एक नया सर्कल कटेगा, अब सर्कल बताएगा आगे वाली टीम्स जो आगे जाएंगी इस मैच के अंदर उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, बिकॉज आपको भी पता है विकेंडी एक नया मैप है और काफी मुश्किल होता है ऐसे बड़े मैप के अंदर ए टू जेड सारी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ऑल दो काफी टाइम हो चुका है इस मैप को, बट यू नेवर नो, बिकॉज इस टूर्नामेंट के अंदर ये तीसरी बार है कि हमें विकेंडी देखने को मिलेगा, क्योंकि मिरामार और विकेंडी दिन में बस एक एक बार होता है। हाँ, मिरामार सेनॉक और विकेंडी एक एक बार ही होती है, एंड सबसे बड़ी बात है विकेंडी हमने देखा है वो मैप है जहाँ पे गेम हमेशा चेंज होता है, तो गेम लोअर हाफ ऑफ टीम्स के लिए तो चेंज होनी नहीं है, पर टॉप में कुछ हलचल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब यही वो मौका है जहाँ पे हमें कुछ एक्साइटमेंट मिलेगा गेम में, मतलब लास्ट टू गेम्स देखिए, टूर्नामेंट का तीन फेज होता है, एक होता है स्टार्ट जहाँ पे सबकी उम्मीदें हाई रहते हैं तो हमें उस चीज का हाइप रहता है कि कौन सी टीम हमें देखना क्या स्टार्टअप करेगी, पर टूर्नामेंट के एंड वो होता है जहाँ फाइट होते हैं। एक्सक्यूएफ के कुलबॉय ने एआरजी के एक प्लेयर को कार 98 से शॉट करके नॉक किया है, पर मुझे अभी तक कोई उनके यहां से ही नहीं दिखा कि किल हो गया, क्योंकि एक्सक्यूएफ और एआरजी दोनों ही जोन के काफी लोअर बॉटम साइड में होल्ड कर रहे हैं, अर्ली रोटेशन नहीं किया एक्सक्यूएफ ने, ईएलजी ने भी, तो इनसे इससे पता चलता है कि इन लोग थोड़ा डिफेंसिव खेलना चाहते हैं, अपने पोजिशन को फटाफट लीक नहीं करना चाहेंगे, इनका इंटेंशन यही रहेगा कि उन लोग बस आगे जाए और थोड़ा पोजिशन पॉइंट्स लेते रहे, किल्स तो एक्सक्यूएफ हमेशा निकाल ही लेती है। एंड यहाँ पे एक्सक्यूएफ रोटेशन शुरू करते हुए दो बंदे उनके जोन के बाहर थे, जो जोन के अंदर जाना चाहेंगे या कैट शायद अपने टीममेट्स को लेने जा रहे हैं, पर शायद उनका ये टारगेट भी रहेगा क्योंकि उनको पता है एआरजी उनके राइट में है, तो मे बी एआरजी पे पुश रहे, क्योंकि उनको पता है एआरजी है, गन फाइट होगी तो एक्सक्यूएफ को खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस और जो उनके एक अपर एंड स्किल वाइज वो अप्लाई करके एआरजी को ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो गन फाइट होती है ये चारों टीम जितनी भी टीम यहाँ पे तीनों टीम हमें एक ओवरव्यू एक टॉप एंगल से देख रही है, तीनों के पास टॉप नॉच फायर पावर है, और अगर इनका बस चले दे कैन लिटरली चेंज द कोर्स ऑफ द मैप, और अभी
कुछ भी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही किसी खास टीम से। और ये देखिए ना, डर कितना है यहाँ पे जोन का कि मैप का जो कॉर्नर है अगर वहीं से कोई क्रॉल करता करता आगे जाए वो भी काफी आगे तक बढ़ सकता है। बिकॉज सर्कल की सारी टीम्स अभी भी 16 टीम्स हैं और सारी बीच में है। अकेली एक टीम है स्कार्स ब्लैक जो काफी अलग है और टीम नंबर 16 टीम नंबर 7 जो अलग है, बट बाकी की 13 टीम्स मिड पर बिल्कुल सेंटर पर अपना घर बनाकर बैठी है। कुछ गाड़ियां का यूज कर रही है, कुछ कंपाउंड का यूज कर रही है, कुछ रिजेस का यूज कर रही है, कुछ पेड़ों का यूज कर रही है, बट दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि कुछ भी कर आगे जाए। और इस मैप के अंदर सर्कल कट चुका है एंड यस हेवीली फेवर्ड टू टीम सोल। बहुत सही कहा आपने कि यहाँ पे टीम सोल के लिए बहुत ही फेवरिंग जोन है, पर यहाँ पे वही मुझे लग रहा है टीम सोल खुद को वापस होल्ड बैक कर रही है। हमने ये डिस्कस किया था कि उनको थोड़ा सा यहाँ पे किल्स लेने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अब लास्ट दो गेम बचे। एकदम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो कोई मेजर चेंजेस नहीं आने हैं, पर अगर वो यहाँ पे सामने जो भी टीम आते हैं उनको मारते, जैसे कि आपने देखा था ओवेस ने स्टार्ट ऑफ बहुत अच्छा किया था जहाँ उन्होंने जीसीबी के एक बंदे को पिक ऑफ किया था, जीसीबी के रोज को, एंड उनको बहुत ही बैकफुट में डाल दिया था। तो अब सोल वो अग्रेसिव गेम प्ले दिखाने को तैयार है, मतलब एग्रेसिव गेम प्ले तो देखिए वो स्टार्टिंग से ही खेल रहा है, मतलब जो उनका गेम स्टाइल है वो उसको खेल रहे हैं। देखिए एक टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट आ गए तो फैन अपीजमेंट के लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप अपना गेम स्टाइल चेंज करें। कोई भी टीम ये नहीं करती। अगर XQF फायर पावर पे बिलीव करती है, पोजीशन से उनको मतलब नहीं है, तो वो किल्स निकालते हैं। पर सोल हमेशा उसी के लिए जाते थे कि हमेशा टॉप 5 में पहुंचो फिर किल्स लो, क्योंकि लास्ट में टॉप 5 में पहुंचने के बाद भी आपके पास 8-10 किल निकालने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। बहुत खूब बोला आपने, बिकॉज आपको जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के अंदर एग्रेस दिखाकर आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे रिस्क आउट करें। आप कोशिश कर सकते हैं आखिरी सर्कल में जब आपको पता है 5 टीम है तो आपको 15-20 प्लेयर बचे हैं, उसमें से आपने अभी अगर 10 निकाल लिए देन इट्स मोर देन इनफ। चिकन डिनर के पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 30+10 टोटल 40 पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर एग्रेशन दिखाने वाली टीम है RRQ। ये टीम जो स्टार्टिंग से मारना चालू करती है, बट ये जो उनका स्टाइल है यहाँ पर PMCO में बिल्कुल रन नहीं किया। बिकॉज जो अकेला चिकन डिनर उन्होंने जीता था वो मिरामार के अंदर था, जहाँ पे एक तरफ एलीट थी दूसरी तरफ PTR थी, वहां तो अर्नी का एक अलग ही गेम प्ले था। उसके बाद हर बार मैंने RRQ पे अगर कभी नजर रखी है तो वहां पे वो हर जगह कई सैंडविच हो रहे हैं, या तो उनको पता ही नहीं होता कि किस तरफ से वो डैमेज लेके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ PLM के नवीन ने BTR के 3 बंदों को नॉक कर दिया, राइजन को फिनिश कर दिया, नेटिक को भी फिनिश कर दिया, सॉरी 2 बंदों को नॉक किया था, दोनों को फिनिश कर दिया। यूनिक के ओल्ड बॉय ने RRQ और अर्नी को पिक ऑफ किया है। यहाँ पे RRQ के ट्रबल्स चलते हुए RRQ अब 3 मैन बचे हैं, टीम यूनिक है उनके सामने। देखना होगा DTU और G9 किस तरह से कवर फायर दे सकते हैं। एंड यहाँ यूनिक नेगी को हिट्स पड़ते हुए ELG के मिंग ने NOVA AY को नॉक किया है। RRQ अभी जिस रिज में है बहुत ही रिस्की रिज है, क्योंकि इनके राइट में BTR का जक्सी है जो कि हालांकि अकेला बचा है, पर वो चाहे तो एक दो बंदों को नॉक करके आ। देखिए जक्सी यहाँ पे पीक लेते हुए G36 यूज के हाथ में गन है, रिकॉल कंट्रोल बहुत अच्छा होता है इससे, तो उसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे 3-4 लोगों को अगर ले ले तो गेम उस मतलब किल्स निकाल सकता है, अपने लिए किल पॉइंट निकाल सकता है। वहाँ मुझे टीम सोल पीछे रौनक और वाइपर रोटेट करते हुए दिख रहे हैं, जिनकी जिनका आगे मुठभेड़ हो सकता है पर्पल मुड और GCB के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है इस वक्त क्योंकि ये बिल्कुल फाइनल टाइम आ चुका है। 22 मिनट ऑलरेडी गेम के अंदर हो चुके हैं और आने वाले कुछ 5-6 मिनट के अंदर हमें निपटारा हो जाएगा कि कौन सी टीम विकेंडी के अंदर, फाइनल विकेंडी मैप है जो हमारा, इसके अंदर चिकन डिनर लेकर आगे बढ़ती है, क्योंकि अब रेस जो है वो टॉप चाइनीज टीम के अंदर ही रह चुकी है, टॉप XQF एंड एलीट। अब उनके बाद आती है टीम RRQ और BTR और इवन GCB भूसन भी, इन पे भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और ओप तो जागी रही, बट यहाँ पे टीम सोल पीछे से आ रही BTR के। आई होप BTR को भी अगर गेम से बाहर निकालती है देन ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हाँ, मतलब कि BTR के एक ही बंदा बचा, 4v1 की फाइट है, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ELG का बेजा यूनिक के किट्सुन को नॉक करते हुए यहाँ पे हमें टीम 69 और ARG के बीच फाइट दिख रहा है। टीम 69 जो कि टूर्नामेंट में इतना कुछ कर नहीं पाई, चाहेगी कि इस गेम में कुछ डिफरेंट करे, फुल अग्रेसिव गेम प्ले, रश गेम प्ले खेल सकते हैं, क्योंकि अब किसी भी इन लोअर हाफ टीम के पास दे हैव नथिंग टू लूज। उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, पर उनके पास जीतने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिकॉज अब ये जो टीम्स हैं जो बिल्कुल फर्स्ट नहीं आ सकती वो सामने वाली टीम के सपने तोड़ सकती है, एक ऐसे सुसाइडल मिशन में जाए जहां पर वो सामने वाली टीम को बिल्कुल भी गेम के अंदर प्रोग्रेस ना करें दे। बिकॉज स्पेशली इफ दे वर स्टॉप, स्पेशली RRQ और BTR जो अभी फर्स्ट सेकंड के कंटेंडर्स बन सकते हैं, दे कैन ट्राई, दे कैन गिव देयर बेस्ट। बैक टू बैक अगर दो चिकन डिनर निकालती है देन RRQ भी काफी अच्छी होगी, बट उधर फसी ने लैपिस को पिकअप किया, जॉर्ज ने यहाँ पे फसी को पिकअप कर लिया, इंस्टेंटली ट्रेड किल्स यहाँ पे चली जा रही है, फीड भर चुकी है, बिकॉज सर्कल इतना छोटा हो चुका है और प्लेयर अभी भी पूरी मात्रा में जिंदा है। 64 से चालू किया था हमने ये प्रोसेस, ये त्योहार, ये जर्नी, अभी 52 प्लेयर्स अभी भी गेम के अंदर बचे हुए हैं। किस्मत की बात ये, अच्छी बात ये है कि अभी तक हमारी जो टीम सोल है वो अभी कैजुअलिटी में नहीं आई है, उन्होंने अच्छी पोजीशन होल्ड कर रखी है एंड दे नो कि अगर इस गेम के अंदर आगे बढ़ना है उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। बट स्मोक के अंदर इंस्टेंटली उजी का स्प्रे करने किया, सारा को पिक ऑफ किया, लैपिस का गेम यहाँ पे खत्म कर दिया, नॉकआउट कर रहा हुआ है और मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद कुछ और हमें देखने को मिलेगा।
कौन सी वो टीम होगी पहली जो यहाँ पर वीकेंडी के अंदर अपना सफर खत्म करेगी, बिकॉज ईएलजी मेंग एवरीवन जस्ट प्लेइंग द बेस्ट पबजी जो हमेशा से वो खेलते आए और वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि पीएमसीओ से एक चीज पर श्योर है जो लेके जाएंगे वो ढेर सारा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, वो मेमोरीज लेके जाएंगे और इसको ही चेरिश कर इसी को इम्प्रूव कर दे विल बी कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर, जहां पर हमारा होगा फॉल्स प्लेट, उसके बाद जब तो पबजी लीग भी आ गई है तो अब ये सारी टीम्स अब फ्यूचर की तरफ फोकस करेंगी। मानता हूँ कि जो आरआरक्यू जैसी टीम है जो आज परफॉर्म नहीं कर पाई बट वो ठान के निकलेगी, आज जब वो हारेंगी जो चोट लगी है उनको अगली बार ये गलतियां फिर से नहीं दोबारा लौटी जाएंगी। सही बात है, मैं ये मैप में देख पा रहा हूँ कि सोल रौनक के जोन के अंदर घुस गया पर मॉर्टल के आगे अभी आरआरक्यू की पूरी स्क्वाड है। मॉर्टल थोड़ा डैमेज भी लिया था पर वहां पे वो बैक ऑफ करके थोड़ा सा खुद को बैकफुट पे रख के हील होने की कोशिश की है उसने आरआरक्यू जोन के अंदर जाते हुए। रौनक यहाँ पे गाड़ी लेके जोन के अंदर और एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। वाइपर वहाँ पे ईएलजी के ब्रांचों को नॉकआउट करते हुए वाइपर के साथ, यहाँ पे वाइपर पे अकेले है तो उसको यहाँ पे केयरफुल रहना होगा, उनको एंगेज नहीं करना है, उन्होंने नॉक किया। एआरजी इज द फर्स्ट टीम जो यहाँ पे नॉकआउट हो रही है इस टूर्नामेंट से। आरआरक्यू और जीसीबी के बीच में मुठभेड़, आरआरक्यू के सीनियर थोड़ा डैमेज देते हुए बैक ऑफ कर गया कंप्लीटली एंड यहाँ पे एसएसजी के एंग्री ने सोल ओवेस को पिक ऑफ किया। ईएलजी ने नेट करके सोल वाइपर को नॉक किया एंड टीम सोल अब सिर्फ दो ही बंदों के साथ बचे हैं। टीम बहुत ही स्प्लिट है, हील होना बहुत मुश्किल है। ओवेस के सामने ऑल्दो रौनक है एंड रौनक के सामने एसएसजी की पूरी स्क्वाड है तो यहाँ टीम सोल के रौनक को यहाँ पे 1v2 1v3 का सिचुएशन रहता है उनके सामने, देखना होगा। मैं रौनक ने यहाँ पे नेट करके एसएसजी के एंग्री को नॉक किया, ये उनको टाइम देता है ओवेस को वहाँ पे वापस रिवाइव देने के लिए। बहुत ही क्लोज फाइट चल रहा है एसएसजी और सोल के बीच में। यहाँ यूनिक की बात करें तो यूनिक ने पर्पल मूड के सीजी को यहाँ पे नॉक किया एंड नावीन को एक साथ यहाँ फाइट देने की कोशिश। किट्सुन चार्ज करना चाह रहा है, पर्पल मूड का दो एक ही बंदा बचा, किट्सुन अकेला, पर्पल मूड के दो बंदों को नॉक कर दिया। लास्ट बंदा आता हुआ एंड यहाँ पे यूनिक ने बहुत अच्छा ट्राई किया, पर्पल मूड की ही जीत हुई। और यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने एग्रेशन दिखाया, काफी ज्यादा गट्सी, काफी बॉल्जी प्ले था और उन्होंने इम्पैक्ट दिखा था, बट उतनी देर में प्ले जोन का शिकार हो चुके हैं वाइपर, वाइपर का सफर खत्म, पर मॉर्टल से कैसे बचेगा कोई। यहाँ पे यूनिक के याशो को इंसेंटली पनिश कर रहे हैं और अपनी किल यहाँ पे पक्की कर लिए, पर ईएलजी ने मॉर्टल को पीछे से स्पॉट किया एंड मॉर्टल को यहाँ पे फिनिश करते हुए एंड टीम सोल के अब दो ही बंदे बचे हैं, रौनक और ओवेस जो कि साथ में है पर अभी भी उनको काफी डिफिकल्टी होगी यहाँ पे फाइट बैक करने में। यहाँ पे ईएलजी का फीड पे देख सकते हो लीडर ने सोल मॉर्टल को एके एम से स्प्रे करके फिनिश किया। जोन ओवेस और रौनक के बहुत ही फेवर में बना है, वहां पे बहुत ही कुछ टीम है जो वहां पहुंचे थे पर यहाँ पे क्या आपको मुझे लगता है क्योंकि रौनक और ओवेस एक साथ है जो कि टीम के फॉरवर्ड फ्लैंकर्स है और लास्ट जोन में सिर्फ असॉल्ट काम आता है, ओवेस का आइडियल सेंस भी काफी अच्छा है तो यहाँ पे कुछ एक उम्मीद की किरण फिर से आई है। पर हमें देखना होगा, टेस्ट की टीम पीछे से रोटेट कर रही है एसएसजी की तरफ, एसएसजी का लिए ट्रबल हो सकती है क्योंकि टेस्ट चार मैन के साथ रश करने हैं उन पर, एसएसजी फिलहाल एक ही बंदा बचा उनका रोलेक्स, यहाँ पे टेस्ट एसएसजी पे रश करते हुए एंड फिनिश करने की पूरी कोशिश रहेगी उनकी। बिल्कुल, और यहाँ पर 9 टीम्स 24 प्लेयर 26 मिनट गेम 27 मिनट गेम के अंदर हो चुके हैं एंड ये सर्कल देखिए किस तरीके से लोगों को चैलेंज कर रहा है बैक टू बैक। ओवेस ने यहाँ पे व्हाइट कैट को नॉकआउट किया, मैं चाहूंगा कि इंसेंटी खत्म करके क्योंकि एक्सक्यूएफ वो टीम है जो टॉप के लड़ रही है, उनको दर्द होना चाहिए कि हर गोली के अंदर उनको पता चलना चाहिए कि ये गोली कहाँ से आई है और उनको कितनी दूर ले जा रही है ट्रॉफी से। ये अभी के लिए फायरबॉल ने इंसेंटली कम बैक किया, वहां पर दूसरी टीम उनको कवर फायर दिया जहाँ पे कैट नॉकआउट हो गए थे, ओवेस को गेम से बाहर निकाल दिया ईयर्स ने। अब अकेले प्लेयर जो बचे है टीम सोल से, मेरे ख्याल से वो रौनक है, 1 HP पे है पर यहाँ पे उनका बचना बहुत ही मुश्किल। दोनों बंदे रश किया एंड टीम सोल यहाँ पे 8वें नंबर पे नॉक फिनिश ऑफ होते हुए एंड बचे हैं टॉप के साथ 3 आरआरक्यू। अतीना भी नॉक हो फिनिश ऑफ हो चुकी है, आरआरक्यू एंड बीटीआर भी नॉक हो चुकी है तो हमें बैक टू बैक 3-4 टीम यहाँ पे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। पर ये जितने भी चाइनीज टीम है ईएलजी टेस और XQF भी मुझे XQF, हाँ ये तीनों टीम ही ऊपर की तरफ बढ़ते हुए टीम कैसे वापस कमबैक करने की कोशिश कर रही है। टॉप 7 को ब्रीच कर चुके हैं, जीसी भी नीचे से रोटेट कर रहे हैं, 69 का बुफला बाहर में हिल बैटल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और यहाँ पर ये फाइनल फेज आ चुका है, अंतिम चरम जहाँ पे पता चलेगा। बट ओ माय गॉड व्हाट वाज दैट, केकेएसआर ने सीधा इंस्टेंटली वीआरके गेमिंग की जो गाड़ी थी उसको मारा और दो प्लेयर इंस्टेंटली नॉकआउट हो चुके हैं। अब वो नेट मार के यहाँ पे कुक करा, सीधा नेट फेंकेंगे क्या, नेट से कुछ इंपैक्टफुल यहाँ पे रिजल्ट आ पाएगा? बट यस, ईयर्स ने यहाँ पे बैराको को पिक ऑफ कर लिया, अकेले बचे तो बचे ऐसे नाम यहाँ पे प्लेजोन से बफला पिक ऑफ हो गया, जेसीबी के डॉन्जिन सीजी का शिकार बनते हैं, पीएलएम के माइटेक ने यहाँ पे फायरबॉल को किया और टेस्ट के प्लेयर काफी इन एंड आउट, काफी अनकंसिस्टेंट, कैसे रोलर कोस्टर की तरह गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे एसएनटी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है गेम के अंदर, 5 टीम 14 प्लेयर
हर टीम बस कोशिश कर रही कि किसी भी तरीके से कुछ एक कवर पॉइंट मिल जाए जिससे कि वो हील करके गेम में आगे बढ़े। एक्सक्यूएफ के जिमी को रोका नहीं जा रहा, एक्सक्यूएफ के पैरा बॉय जसप्रोविक एवरी ऑडोंग सबको अच्छा गेम दिखाना है और सब अपना यहाँ पे बेस्ट खेल रहे हैं। एक्सक्यूएफ वो टीम है चाइनीज ब्रांड जो अभी तक सबसे कंसिस्टेंट रही है, बट मजाल की बात हो कि कोई और टीम उनके आसपास हो, क्योंकि जितनी भी टीम्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ उसमें से दो टीम्स तो मुझे यहाँ पे चाइनीज क्राउड की दिख रही थी। यहाँ पे टॉप ईस्पोर्ट्स ने 10 किल के साथ ऑलरेडी टॉप 4 आ चुके हैं, यहाँ पे ट्रॉफी के बहुत ही करीब बढ़ते हुए टॉप ईस्पोर्ट्स। टीम कैसो के दो बंदे अलाइव है, जेसीबी का जस्टिस अकेला अपने टीम के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स ले रहे हैं, पर्पल मूड ब्रिज के नीचे कैंप कर रहे हैं, चारों ही टीम जोन के काफी अंदर दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे टेस्ट के बाद बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एक्सक्यूएफ और ईएलजी दोनों नॉकआउट हो चुके हैं, तो कप को कप पे अपना हक जमाने का इनका टाइम आ चुका है कि 12 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। चिकन डिनर लेते अगर 2-3 किल और लेते तो 46-45 पॉइंट्स की इनको बढ़त मिलेगी जो इनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऑलरेडी 12 किल्स आ चुकी हैं, 42 पॉइंट तो पक्के हैं अगर फर्स्ट आते हैं। अब यही है एक बात, अब बचे हुए जो 6 किल्स और निकाल लेती है देन इनको काफी ज्यादा एडवांटेज होगी। यहां पे टीके मार्को ने जस्ट दिस को काफी ब्रूटली, वो बिल्कुल स्नेक गेम प्ले था, वो बिल्कुल झाड़ियों में छुपे हुए थे, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि उसान के प्लेयर को कि वो कहां पे हो सकते थे, बट उन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया। अब मौका पीएलएनएम के पास भी है, बिकॉज पीएलएनएम वो टीम है जो अभी तक बिल्कुल अपना बेस्ट गेम प्ले नहीं दिखा पाए, काफी देर से ब्रिज की तरफ होल्ड करके बैठे, बट व्हाइट कैट की नजर है कि वो देख रहे हैं कि शायद से वहां पे अगर कोई आता है देन उनको पनिश कर पाएंगे, बट पीएलएम के जो प्लेयर हैं वो भी इतने चलाक हैं, उनको पता है कि ऊपर किसी ना किसी की तो नजर होगी और व्हाइट कैट ने यहाँ पे स्पॉट तो कर ही लिया होगा। अब उनको पता है कि एक अपोनेंट हमारे बिल्कुल नीचे है, एक दो अपोनेंट बच गए। अब पीएलएम के 3 प्लेयर बचे हैं, 4 प्लेयर बचे हैं यहाँ पर टेस्ट के। ओके यहाँ पे ओ माय गॉड टीक्यू जो टीम क्वेस्ट के प्लेयर यहाँ पे स्प्रे करना चाहते थे, बट ज्यादा देर की बात नहीं है, जास्पर इंस्टेंटली पीछे मुड़े 180 ऑलमोस्ट और इंस्टेंटली M416 का स्प्रे कनेक्ट कर उनको गेम से बाहर कर दिया। पीएलएम के जो सीजी है वो मुश्किल में, क्योंकि मोलोटोव मार के उनको आउट ऑफ पोजीशन लाने की फुल कोशिश की जा रही है, बट यहाँ पे भूलिएगा मत ये टीपीपी है, टीपीपी के अंदर आपका सामने वाला दुश्मन तब निकलेगा जब आप ऑफ गार्ड है, तो टीपीपी का ये फोकस हमेशा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हर प्लेयर को ये जरूरी है कि इस वक्त ओवर एग्रेसिव ना करे, बट व्हाट अ स्प्रे यर ने यहाँ पे कनेक्ट किया, जास्पर को पिक ऑफ कर लिया, एक के बाद एक दो पिक्स निकाली और आखिरी के साथ यज ने वन मैन शो दिखाकर अनदर बिगेस्ट कंपटीटर को गेम से निकाल दिया, क्योंकि अब भी अकेले प्लेयर बचे हैं जो मार्को को किसी भी टाइम हंट कर देंगे, यहां पर अकेले प्लेयर बचे और जैसे ही बचे थे ऊपर चढ़े और दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रूविंग जो सेकंड लास्ट गेम थी टॉप ईस्पोर्ट ने दिखा दिया कि किस तरीके से यहां पर कंसिस्टेंसी की मिसाल दी जाएगी, किस तरीके से एग्रेसिव टीम की मिसाल दी जाएगी, किस तरीके से इंडिविजुअल प्लस टीम परफॉर्मेंस को यहां पर टॉप नॉट दिखाया जाएगा PMCO बर्लिन के अंदर। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे आपने क्रेड भाई, एंड मैं आपके इस एनर्जी की दाद देना चाहूंगा, जो आप वर्सिटैलिटी और जो आप ये एनर्जी लाते हो कास्टिंग में, ये मतलब सारे कास्टर्स के लिए एक बेंचमार्क है जो आप यहाँ पे सेट करना चाह रहे हो हम सभी के लिए। हम लोग इस फील्ड में नए नए आए हैं, पर आपसे हमें जो आपके साथ अभी मुझे इन दिनों कास्टिंग करके जो बहुत कुछ सीखने को मिला, इससे मतलब बोलता है ना आप एक मिसाल बना चुके हो हम सभी कास्टर्स के लिए। मैं हूँ केतन है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्रेड भाई की जो एनर्जी रहती है और क्रेड भाई जो वर्सिटैलिटी के साथ व्यूअर्स को एंटरटेन कर सकते हैं अपने लफ्जों के साथ, क्योंकि यहाँ पे गेम रहता है उनका पर लफ्ज रहते हैं हमारे, और लफ्ज आपसे बेहतर किसी के नहीं आते। यहाँ पे टॉप ईस्पोर्ट्स का बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन एंड इन लोग शायद टेबल टॉपर सब चले जाएंगे क्योंकि XQF और ELG अर्ली पिक ऑफ हो चुकी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, और यस ये मैं देख रहा हूँ कि हर बार कोई भी टीम जीतती है ये कोई नया स्टेप है कि एवरी टाइम दे जस्ट मेक अ नोट और अपने दिल पे रखते हैं कोई ये आर्मी से है, बिकॉज BTR इंडो की टीम है वो जीती थी, उन्होंने भी सेम पोज मारा था, बट यस इस बार भी जो इस बार चाइनीज टीम जीती उन्होंने भी सेम स्क्वाड मारा है। बट यस अब हमारी टीम किल्स की रैंकिंग देखते हैं, इस राउंड के अंदर सबसे ज्यादा किल्स निकाली टॉप ने, क्या मजाक है क्या? एग्जैक्टली आपने बोला था 46 पॉइंट्स एंड यस वही हुआ, 46 पॉइंट मिलेंगे, फर्स्ट भी आई है, 16 किल्स भी निकाली है एंड प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग। और ऐसा नहीं है कि कोई एरी गैरी टीम इतनी बड़ी लीड के साथ यहाँ पे मुझे लग रहा है पूरी टूर्नामेंट के पॉइंट टेबल पे एक चेंज आ गया। टॉप ईस्पोर्ट्स में सेकंड लास्ट गेम में जो ये बढ़त लिया है इसको XQF और ELG के लिए ओवरकम करना बहुत ही दिक्कत होगा। वहां हमें दिख रहा है ELG ने सिर्फ 10 पॉइंट ले पाए इस गेम में, लास्ट गेम तक इनके बीच में इतनी भी बड़ी पॉइंट डिफरेंस नहीं थी, एंड यहाँ पे टेस्ट ने शायद जो ये डिफरेंस क्रिएट कर ली और टॉप ईस्पोर्ट्स ने ऑलमोस्ट एक गेम के जितना अपना एडवांटेज ले लिया, तो एंड यहाँ पे टॉप ईस्पोर्ट्स ने 25 पॉइंट का लीड ले लिया।
लिया है। यहाँ इससे हमें ये पता चलता है कि टॉप ई स्पोर्ट्स, मतलब हम लोग सेफ टू कंक्लूड मैं एक बार बोलूंगा कि टॉप ई स्पोर्ट्स यहाँ पे पीएमसीओ वर्ल्ड फाइनल्स के चैंपियन बन के निकलने से बस एक घंटे दूर है। एक्सक्वेस्ट एलिट गेमिंग आउट ऑफ फाइट सिर्फ एक्सक्वेस्ट और टॉप स्पोर्ट्स में है ना। हाँ तो मतलब यहाँ पे सॉर्टेड है कि मतलब टॉप फोर तो हमें दिख गया, बीटीआर और नोवा स्पोर्ट्स में फिफ्थ स्पॉट के लिए फाइट चलेगी। जीसी बुसान भी काफी क्लोज है, पर मेरे हिसाब से टॉप सेवन जो हमें दिख रहा है इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने। टीम सोल काफी स्लिप करते हुए 12 स्पॉट पे आते हुए, उम्मीदें की तो अब ज्यादा हम बात नहीं कर सकते। पर्पल मूड काफी अच्छे लीड के साथ ऊपर है, 25 पॉइंट का उनके पास लीड है। टॉप 10 फिनिश करने की कोशिश कर सकते हैं, एसएसजी को अगर उतर के मारने की कोशिश करे वहां पे आपके यस नाय में, तो फिर टॉप 10 की फिनिश की हम एक रिस्पेक्टेबल फिनिश, जो हम आगे टॉप 5 की बात कर रहे थे, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है, तो टॉप 10 की फिनिश की उम्मीद करे। बिकॉज अभी भी I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Yeah. Show them. Easy go.